मैं मार्क की बुक में 14th चैप्टर के 19th वर्स को पढ़ूंगा। और फिर सब दुखी हो गए, सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये मैं हूं? और आज सवाल अपने आप से पूछना है, क्या ये मैं हूं? प्रभु के 4-12 चेले हैं, अब प्रभु की मेज सजी हुई है, वो आखिरी प्रभु का सफर है, लास्ट सफर, वो खाना जो अपने चेलों के साथ खाते हैं, जहाँ रोटी तोड़ी जाती है और प्याला सबके हाथों में दिया जाता है। और प्रभु बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरे साथ जो खा रहा है उसमें से एक मुझे धोखा देगा। प्रभु कहते हैं मेरे साथ जो खा रहे हैं उनमें से एक मुझे धोखा देगा। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, ये वो रात है जब यीशु के पकड़वाए जाने की रात, उससे पहले प्रभु अपने चेलों के साथ उस भोज में बैठे थे। और भोज में जब 12 चेले बैठे थे, प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे साथ जो खा रहा है उनमें से एक मुझे धोखा देगा। और वो सब दुखी हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये मैं हूं? और उसने उनको जवाब दिया कि तुम में 12 में से एक है। मैं आज का जो वचन है उसका मुख्य किरदार है यहूदा, जूदस। और आज जो कहानी है वो जूदस के जीवन में है। और सवाल यही है, क्या ये मैं हूँ? क्या ये मैं वो व्यक्ति हूँ जो कलीसिया में रह के, प्रभु का वचन सुन के, उसके चमत्कार देख के भी अपना हृदय कठोर रख के प्रभु के विरुद्ध जी रहा हूं? लेकिन यहाँ यीशु है, वो जो सबसे अभिषिक्त है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, निष्पाप मेमना, जिसको पवित्र आत्मा, जिस पर बिना किसी मेजर के, बिना किसी माप के, जिसको पवित्र आत्मा दिया गया, जो खुद परमेश्वर है शरीर में, जिसने 3 साल उन चेलों के साथ बिताए, और 3 साल यहूदा उनके साथ रहने के बाद भी यहूदा का दिल कठोर है और वो नफरत से भरा है। और आज यही यहूदा की कहानी है उन लोगों को जो आत्मिक रूप से केयरलेस हैं, सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं, सुनेंगे लेकिन टाल देंगे, सुनेंगे लेकिन उस बारे में सोचेंगे नहीं, सुनेंगे लेकिन समय नहीं है, सुनेंगे लेकिन दिल कठोर है। आज ये कहानी उन लोगों के पास है जो अपने जीवन में दिए गए मौके को डुबा देते, मौके को बेकार कर देते। कई लोगों के सवाल होते हैं कि उनका क्या जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना? मैं बोलता हूं उनका क्या जो सुन सुन के अपना दिल कठोर रखते हैं, उनका क्या जो ये मौका जब मिलता है उसको गवा देते हैं। यह चेतावनी है उन लोगों के लिए जो आत्मिक चीजों में केयरलेस हैं, जिनको चिंता नहीं है, वो है जो मौके खो देते हैं, वो लोग हैं जिनके दिल कठोर है। जब कोई दिल कठोर होता है तो वचन का बीज उसके अंदर नहीं जाता। ये भी प्रभु यीशु के साथ है, 3 साल तक प्रभु यीशु के साथ था, ये साथ बैठे, साथ खाए, साथ रहे, चमत्कार देखे, अद्भुत काम देखा, मरो को उठते देखा, कोड़ी को ठीक होते देखा, अंधों को आंख मिलते देखा, बैरों को सुनते देखा, पानी पे चलते देखा, आंधी को थामते देखा, लेकिन उसके बाद भी प्रभु को धोखा दे दिया। या चेतावनी उन लोगों के लिए जो केयरलेस है, जो अपने जीवन में मौकों को बेकार कर देते हैं। आप सुन रहे हैं लेकिन आप पे परिवर्तन नहीं आ रहा, क्यों? आपका दिल कठोर है, आप सब समय अपने ही लस्ट में, अपने ही प्रलोभन में अटके हुए हैं। देखिए प्रलोभन हर जन के जीवन में आता है, जीवन में प्रलोभन होना, प्रलोभन में जीवन होना एक अलग बात होती है। यदि आपके मन में कोई लालच है, आपके मन में कोई भी प्रकार की वासना है जिसको आप फिर प्रभु के चरणों में नहीं दे पाते, इसका मतलब आप उस प्रभु से ज्यादा अपने शरीर की इच्छा पे जोर दे रहे हैं। आज ये चेतावनी उन लोगों के लिए जो प्रभु के साथ है फिर भी प्रभु के विरुद्ध है, जो प्रभु के घर में है लेकिन घर के हिस्से नहीं है, जो वचन सुनते हैं लेकिन दिल कठोर है, अंदर नफरत से भरे हुए हैं। जब चर्च में फूट होती है, जब थोड़ी सी लड़ाई होती है, लोगों की नफरत प्रकट हो जाती है। ये वो लोग हैं सही जगह लेकिन दिल इनका सही जगह नहीं है, मतलब इसने उस सत्य पर कभी विश्वास नहीं किया। और जैसे वो 11 बदल गए, ये व्यक्ति कभी बदला नहीं। वो जितना विश्वास में बढ़ते रहे, ये उतना ही नर्क का बेटा बनता गया, नर्क का पुत्र। वचन कहता है कि मानव पुत्र को तो ऐसे मरना निश्चित था, लेकिन हाय उस पे जो इसका माध्यम बना। प्रभु ने कभी जूदास को कान में आके नहीं बोला तू मुझे धोखा दे दो, जूदास ने खुद वो रोल चुना। और ये हमको सिखाता है कि आप यीशु के पास हो सकते हैं फिर भी उससे दूर हो सकते हैं, चर्च में हो सकता है फिर भी नर्क का बेटा हो सकता है, एक आदमी प्रभु की उपस्थिति में हो सकता है फिर भी उसका बैरी हो सकता है। और दूसरी बात, आप कोई भी हो, परमेश्वर की योजनाओं को आप टाल नहीं सकते। शैतान ने यहूदा को इस्तेमाल किया प्रभु को धोखा देने, लेकिन प्रभु ने उसमें भी अपनी इच्छा पूरी की। तो प्रभु को तो धोखा देना निश्चित था, शैतान को ये बात नहीं मालूम थी कि जो क्रूस पे मारा जाएगा उसको परमेश्वर मरो से उठा देगा और उसके निष्पाप लहू को स्वीकार करेगा, और वही लहू लोगों के छुटकारे का और उद्धार का तरीका बन जाएगा, माध्यम बन जाएगा। इसलिए 2 कुरिन्थियों 13:5 में वचन कहता है कि अपने दिल को जांचो,
कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, क्या तुम्हारा विश्वास खरा है कि नहीं। चर्च चर्च मत खेलिए, अपने दिल को जांचिए कि आप विश्वास में है कि नहीं। ये 12 में से एक यूदा था, इसका नाम का मतलब यहूदा, यहूदा का मतलब है परमेश्वर द्वारा अगुवाई पाना, और इसके नाम जो इस्करियोत था मतलब ये कैरियर बोल के जगह का व्यक्ति था। और ये 12 में से सिर्फ एक व्यक्ति था जो गलीली का नहीं था, और इसने इतना भरोसा जीत लिया कि ये ट्रेजर बन गया। जहां तेरा खजाना है वहां तेरा दिल भी होगा। ये ट्रेजरर था, ये वो व्यक्ति था जिसके पास वो पैसों की झोली रहती थी। जीसस की जब मिनिस्ट्री चलती थी उस मिनिस्ट्री में समझ लीजिए जूदास ट्रेजरर था, वो व्यक्ति जो पैसे संभालता था, पैसे की थैली इसके पास थी। प्रभु शुरू से इसके दिल को जानते थे। प्रभु ने इसको कैसे बुलाया ये इन पत्रियों में नहीं लिखा है, बट इसने भी उन लोगों की तरह फुल टाइम मिनिस्ट्री में प्रवेश किया, अपना सब छोड़ के ये भी आया। आप प्रभु के लिए सब छोड़ सकते हैं फिर भी आप नरक जा सकते हैं, आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं फिर भी आप नरक के बच्चे जैसे जी सकते हैं, आप प्रभु के साथ रह सकते हैं फिर भी आप नरक के बच्चे जैसे जी सकते हैं। ये भी दूसरों की तरह सब कुछ छोड़ता है, ये फुल टाइम मिनिस्ट्री में आता है, और फुल टाइम और पार्ट टाइम कोई भी माप नहीं है। कोई बोलेगा मैं पार्ट टाइम हूँ, कोई बोलेगा फुल टाइम, ये दोनों चीजें कोई माप नहीं है। आपका दिल कहाँ है? इसलिए वचन कहता है अपने दिल को जांचो और देखो तुम खड़े हो कि नहीं, तुम्हारा विश्वास खरा हो कि नहीं। नहीं तो इंग्लिश में वर्ड है तुम रेप्रोबेट बन जाओ। रेप्रोबेट बन मतलब होता है एक व्यक्ति जिसके पास अब कोई मुड़ने का स्थान नहीं, आशा नहीं है, उसके परिवर्तित होने की आशा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जब वचन कहता है कि जो भी पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वह व्यक्ति को कभी भी माफी नहीं मिल सकती। लोग जाने अनजाने बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब प्रभु जिन फरीसियों को ये बात बोल रहे थे वो सब बातें जानकर, सब बातें देखकर, सब बातों का ज्ञान रखकर अपने दिल को जब कोई व्यक्ति कठोर करता है उसके पास मुड़ने की आशा नहीं होती और वो खुद परमेश्वर का दुश्मन बन जाता है। ये वो व्यक्ति था जो जाके 72 लोगों में था, लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया। आप चंगा छुटकारा करेंगे इससे ये प्रूफ नहीं है आपके सेल्वेशन का, क्योंकि वचन कहता है बहुत से लोग आएंगे बोलेंगे क्या मैंने आपके नाम पे चंगाई नहीं की, छुटकारा नहीं किया, वो दूर हट जाओ मैं तुमको नहीं जानता। आप चर्च जाते हैं ये माप नहीं है आपके विश्वास का। आप बोले तो क्या मैं नहीं जाऊं? नहीं, वो बात नहीं बोल रहा मैं। वो प्रभु यीशु के पीछे चल रहा था लेकिन उसका दिल प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहा था। प्रभु ने उसको चुना लेकिन उसने प्रभु के विरोधी अपना दिल कठोर रखा। भजन संहिता 41:9, योहन्ना 13:18, जकरयाह 11:12-13 में ये भविष्यवाणी की हुई है कि कैसे प्रभु को किसी एक द्वारा धोखा दिया जाएगा। और सवाल ये, क्या ये मैं हूँ? मतलब मेरा अपना कोई दोस्त जिसपे मैंने भरोसा किया, जिसने मेरी मेज से खाया, वह मेरे विरुद्ध हुआ। पाप गलती से हो तो अलग बात है, पाप पूरी सूझबूझ के साथ प्लानिंग के साथ हो तो बहुत अलग बात है। जब कोई व्यक्ति अपने मन से दिल कठोर करके पाप में जीता है, वो दिखा देता है, उसने उस लहू को कम्युनियन टेबल में जिसमें हिस्सा लेता है उस लहू को अपने पैरों तले कुचल दिया। गलती सब विश्वासी से होती है, गलतियों से पाप भी होते हैं, लेकिन जो मन बना के निश्चित करके प्लानिंग के साथ पाप करता है वो विश्वासी नहीं होता। परमेश्वर ने उसको कभी नहीं बोला मुझे धोखा दो, ये प्लान तुम्हारे लिए है, तुम वो व्यक्ति हो। उसने वो किरदार को चुना, ये तो निश्चित था, पर हाय उस व्यक्ति पर जिसने धोखा दिया। मतलब गॉड का प्लान और यहूदा का धोखा दोनों एक जगह आके मिल जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या करते हैं, लोग परमेश्वर की योजनाओं को नहीं रोक सकते। कौन किस कारण से आता हमको नहीं मालूम, हर जन की अपनी मोटिवेशन है। कई लोग थोड़ी तकलीफ होती प्रभु के विरुद्ध हो जाते हैं, अरे मैंने तो विश्वास किया फिर तकलीफें क्यों आ रही है। कई लोग घटी कमी में रोने लग जाते हैं, अरे मैंने तो विश्वास किया, मैं तो चर्च गई फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, कल ही तो मैंने पश्चाताप किया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। क्यों? इनका मोटिवेशन गलत है। जब कोई वर्शिप करता है उसका वर्शिपर का मोटिवेशन नहीं होता, उसको क्या मिल सकता? वर्शिपर का पहला मोटिवेशन होता है कि वो किसकी आराधना कर रहा है, प्रभु कौन है। और इन सबकी फाउंडेशन है सेल्वेशन। जहां एक व्यक्ति को जब उसके पाप से उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है, तो उसका परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता हो जाता है। वो परमेश्वर की पवित्रता, उसके प्रेम को समझता है और फिर वो इसलिए आराधना करता है कि परमेश्वर कौन है, इसलिए नहीं करता कि हमको क्या मिल जाता है। चर्च में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, जब तक प्रभु ब्लेस करेंगे प्रभु प्रभु है, जब तक ब्लेस नहीं करेंगे प्रभु प्रभु नहीं। क्यों? उनकी मोटिवेशन गलत है। और बहुत से पास्टरों को सिर्फ चर्च में भीड़ की जरूरत है, उनको गॉस्पल नहीं सुनाना है, तो हम फिर मोटिवेशन की परवाह नहीं करते क्योंकि उससे फिर टाइट्स और ऑफरिंग्स आती है, जितने लोग होंगे उतनी भीड़ होगी। अब मैं अगर ये बात बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे पास्टरों के लिए बोल रहा हूं और या मैं पास्टरों के विरुद्ध कड़वा हूं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां सच्चे पास्टर्स होते हैं वहां झूठे भी होते हैं। तो सिर्फ चर्च में कोई बैठा है इससे प्रूफ नहीं होता कि उस व्यक्ति को उद्धार मिला है या वो मसीह है। बहुत से लोगों की बहुत सी मोटिवेशन हो सकती है,
कोई गाने बजाने जाता है, कोई गाना सुनने जाता है, कोई लड़कियों के लिए जाता है, कोई किसी को रिश्ता अपना करना होता है उसके लिए जाता है, कोई ब्लेस हो जाए बस उसी लिए जाना चाहता है। शायद इसकी मोटिवेशन पैसा था, शायद इसका मोटिवेशन था कि ये भी पैसा कमा सकता है। कई लोग मिनिस्ट्री में इसलिए आते हैं कि वो पैसा कमा सके, पावर के लिए आए, पैसे के लिए आए, उसका फैसिनेशन हो। और अद्भुत बात है, उसे सुना फर्क नहीं पड़ा, उसने देखा उस पर फर्क नहीं पड़ा। उन 11 चेलों की जब समझ खुल रही थी, उनका विश्वास बढ़ रहा था, उनका ज्ञान बढ़ रहा था। यह एक व्यक्ति है जिसके दिल को दुनिया ने पहले ही जीत लिया था, इस पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। ये यीशु के साथ था लेकिन ये अंदर का नहीं बाहर का था, ये चर्च में था लेकिन देह का हिस्सा नहीं था। योना 6 में यीशु यहूदा को शैतान के रूप में कहते हैं। देखिए, कई लोग झूठे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो इतना कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, उनके झूठ में एक मंत्र मुक्त करने वाली शक्ति होती है कि कई लोग बात बेवकूफ बना देते हैं। ये 11 चेलों को मालूम ही नहीं कि इनमें से एक है जो धोखा देगा। अगर आपको कहानी मालूम हो कि अय्यूब की कहानी में स्वर्गदूतों के बीच में शैतान आता है और स्वर्गदूतों को मालूम नहीं कि उनके बीच में शैतान खड़ा हुआ है, जब तक प्रभु उससे बात नहीं करते हैं, परमेश्वर उसको बुलाते नहीं है, परमेश्वर उसका नाम लेके नहीं बोलते। उसी प्रकार से ये 11 चेलों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका दिल कठोर है, जो पैसे संभालता है, इन 11 को मालूम नहीं है। अनरिपेंटेंट, वो व्यक्ति जो पश्चाताप नहीं करता है, जिसको नया जन्म नहीं मिलता है। अगर आपको कहानी याद है यूहन्ना 12 में 2 और 3 में, कि जब मरियम आती है, प्रभु को एनॉइंट करती है, प्रभु का इत्र से अभिषेक करती है, तो मरियम उस इत्र की बहुत महंगी बोतल को लेके आती है और उसको तोड़ती है, और जब तोड़ती है तो ये अपने आप में लोगों को शॉक कर देता है कि इतनी महंगी आराधना कौन करता है। मतलब इतनी महंगी इत्र की बोतल तोड़ दी प्रभु यीशु के लिए और उसको पूरा उडेल दिया प्रभु यीशु पर। तो उस बोतल की कीमत करीब 300 दिनारी थी, जो मतलब पूरे एक साल की किसी की पगार होती है। तो ये एक अद्भुत दृश्य था आराधना का। अब यहूदा पैसे संभालता था और उसने बड़े चालाकी से इस बात को ऐसे पेश किया कि बाकी अपोस्टल्स भी कंफ्यूज हो गए और बोलता है कि ये इतनी बर्बादी क्यों, ये पैसा तो गरीबों को दिया जा सकता। और वचन योहन्ना 12:6 में लिखता है कि वो ऐसा इसलिए नहीं कह रहा था कि वो गरीबों की चिंता करता है, इसलिए कह रहा था कि वो चोर है और उसके पास पैसे की थैली रहती थी। उसका लालच था ये औरत जो इत्र यीशु के पूरे डेल रही है, इस इत्र को अगर बेच कर पैसा झोली में आता तो उसको शायद कुछ मिल जाता। यीशु ने कहा गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। यीशु ने उस समय जूदास को एक्सपोज नहीं किया, किसी भी चेले को मालूम नहीं इसकी मोटिवेशन क्या है, लेकिन उस समय के बाद से यहूदा और नफरत से भर जाता है। क्यों? अब पैसा कमाने का मौका चला गया। और उसी के बाद ये फरीसियों के पास चला जाता है और 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने धोखे को तय कर लेता है कि मैं प्रभु यीशु को पकड़वा दूंगा। ये प्रभु यीशु के साथ है लेकिन यही उसका दुश्मन है। प्रभु इसको दोस्त बुलाते हैं लेकिन यही दुश्मन है। 30 चांदी के सिक्के एक गुलाम का मूल्य था, एक स्लेव का मूल्य था। इसने प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु के जीवन को खत्म कर दिया। और यहाँ दो किरदार हैं, एक मरियम जिसका प्रेम, जिसकी वर्शिप सैक्रिफिशियल है, मरियम जिसके प्रेम के कारण वो प्रभु के चरणों में अपने उस महंगी इत्र को डेल देती है, और लालची यहूदा जो अपने लालच के कारण उस पैसों को खाना चाहता है। मरियम का प्रेम, यहूदा की नफरत, मरियम का विश्वास, यहूदा का विश्वास, मरियम का कोमल हृदय और यहूदा का कठोर हृदय, एक तरफ प्यार एक तरफ नफरत। और सवाल यही आज क्या, ये मैं हूँ? वचन कहता है अपने दिल को निरंतर जांचो। और फिर वो पाखंडीपना, जब किसी आदमी की आदत हो जाती है झूठ में फरेब में रहना, वो दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। योहन्ना 13 में कहता है कि उसने पैसे ले लिया और अब वो प्रभु यीशु के साथ है, उसके मन में आ गया मुझे धोखा देना, अब वो वही है और अब वो मौके की तलाश में है। प्रभु यीशु अपने चेलों के पांव धोते हुए वहां बैठा है। सोचिए, इस आदमी के पांव धोए गए, इसको फर्क नहीं पड़ा। वहीं पतरस बोलता है कि प्रभु आप ऐसा नहीं करेंगे, जैसे यीशु बोलते कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम सब साफ नहीं हो। प्रभु कहते तुम में से एक मुझे धोखा देगा। जब प्रभु बोलते तुम में से एक आज मुझे धोखा देगा तो सब दुखी हो जाते हैं, सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं क्या मैं हूँ। प्रभु से पूछते हैं प्रभु क्या मैं हूँ। बिकॉज एक ट्रू बिलीवर को ये बात बहुत हर्ट करेगी जब कोई प्रभु के मेज में आता है। तो वचन कहता अपने दिल को जांचे। यहूदा पूरे पाखंडी पने के साथ उस मेज में बैठा है और प्रभु से वो भी पूछता है क्या ये मैं हूँ, इसलिए कि उसे चिंता थी कि वो पकड़ा जाएगा। शैतान बहुत कम लोगों में प्रवेश करता है, डीमंस शैतान का काम करते हैं। लेकिन इस कहानी में 2 बार, एक बार शैतान पतरस के द्वारा बात करता है लेकिन शैतान यूदास में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना दिल इतना कठोर कर लिया कि अब परमेश्वर के पात्र की जगह शैतान का पात्र बन गया और अब शैतान इसको इस्तेमाल कर रहा है प्रभु यीशु को धोखा देने के लिए। वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर की दया मिल सकती थी, अब उस पे परमेश्वर का न्याय होगा। शैतान उसके अंदर घुस जाता है। यीशु उस रोटी को डुबाकर उसके हाथ में देते हैं। प्रभु कहते हैं जिसको मैं ये डुबा के दूंगा ये वही है। प्रभु उसको देते हैं
प्रभु कहते हैं कि जिसको मैं डुबा के दूंगा वो है, लेकिन इस व्यक्ति ने इतना सबको मंत्रमुग्ध किया हुआ था या इसकी जो पाखंडीपना था वो इतना अच्छा था कि किसी को उस समय भी समझ नहीं आया कि ये यहूदा जो धोखा देने वाला है। तो जब प्रभु ने बोला तुमको जो करना है जल्दी करो, तो लोगों को लगा कि शायद प्रभु इसे कुछ सामान लेने भेज रहे और बोल रहे जो लाना है जल्दी लेके आओ। एक तरफ परमेश्वर का निष्पाप मेमना जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं, जिसने पवित्र जीवन जिया, जिसने यहूदा से प्यार किया, उसको बुलाया, एक तरफ यहूदा जो उस नफरत से उस पाप से भरा हुआ है। और इसलिए कम्युनियन सर्विस में डेविल की कोई जगह नहीं है, कम्युनियन सर्विस में एक पापी हृदय की जगह नहीं है, इसलिए प्रभु पहले उसको बेचते हैं फिर कम्युनियन होता है। इसलिए वचन कहता है कि अपने दिलों को जांचो, आज प्रभु का वचन यही है, अपने दिलों को जांचो, अपने आप को देखो क्या आप प्रभु में हो, क्या आप उसके पीछे चल रहे हो, क्या आप में अविश्वास है, क्या आपका दिल नफरत से भरा है। आज तक जब भी प्रभु की मेज सजाई जाती है वचन कहता है अपने दिल को जांचो कि कोई पाखंडी होकर उस मेज में हिस्सा ना ले। सोचिए इस धूर्त व्यक्ति की उपस्थिति कितना उस पवित्र फेलोशिप को खराब कर रही होगी। इसका दिल से यीशु का भारी ना होना, प्रभु यीशु को नकार देना, उसकी प्रेम उसकी दयालुता को नकार देना। और सही में उस समय शैतान बैठा हुआ था, शैतान घुस गया था उसके अंदर, प्रभु यीशु उसको भेज देते हैं। और उस दिन जाके वो फरीसियों के पास जाता है और फरीसियों को उस बगीचे तक ले आता है जहां प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ निरंतर जाते थे। धोखा, प्रभु यीशु को पकड़ा दिया जाता है, झूठे आरोप लगते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उन पर अन्याय होता है, कीले ठुकती हैं। पिता भी एक बार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं क्योंकि निश्चित था कि उनका बेटा इन तकलीफों को झेले ताकि दूसरों को बचाया जा सके। प्रीप्लान्ड पहले से सुनियोजित ढंग से उसने प्रभु को करवाया, वो सिर्फ मौके की तलाश में था, पैसा तो वो ले चुका था, लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर से नकाब हटा दिया और उसको बोला जाओ ये समय है, तुमको जो करना है जल्दी करो। इससे पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बता ही दिया था कि अब समय आ गया है जब मानव पुत्र को पकड़वाया जाएगा। और इस आदमी ने जो भी प्लान किया, प्रभु ने इसको भेजा जाओ तुमको जो करना है जल्दी करो। इसको मानता था यीशु पॉपुलर हैं, लोग इनको मानते हैं, इसलिए वेट कर रहे थे कि कैसे इनको पकड़वाया जा सके। उस रात को यहूदा 600 रोमी सैनिकों के साथ आके यीशु को पकड़वाता है। यीशु उनसे पूछते हैं, जब ये रोमी सैनिक आते हैं, तुम किसको खोज रहे हो? और ये व्यक्ति है यहूदा जिसके पास अंतर मन नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास अंतर मन नहीं है। ये अपने अंतिम समय तक अपनी हिपोक्रेसी में जी रहा था कि वहां भी इसको यीशु को दिखाना था कि ये उसका दोस्त है, ये चूमता है जाके। ये नहीं कहता कि ये प्रभु यीशु है पकड़ लो, ये यीशु है पकड़ लो, वो जाके प्रभु यीशु को चूमता है। मतलब ये पाखंडीपने का चरम सीमा है जहां एक व्यक्ति अपने धोखे को इस ढंग से दे रहा है कि जैसे वो दोस्त है। मतलब उसने चूम के बताया कि ये प्रभु यीशु है। प्रभु ने तुम मानव पुत्र को चूम के धोखा दे रहे हो, मैंने तुमको दोस्त कहा। यीशु का दोस्त नहीं था, यहूदा यीशु का दुश्मन था। सवाल है क्या ये मैं हूँ? यीशु को पकड़वाने के बाद इसका अंतर्मन जाग जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब पैसे नहीं चाहिए इसको, अब दुख है, पश्चाताप नहीं है, दुख है, लेकिन अब फरीसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसका पैसा फेंक देते हैं, बोलता कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये पश्चाताप नहीं करता, ये दया के लिए नहीं रोता है, ये सिर्फ अपने अंतर्मन को चुप कराने के लिए सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। आज इस कहानी से सीख सकते हैं उन लोगों के बारे में मौकों को खोना अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं बहुत से सभी लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुम अपना जुआ मुझे दो, मेरा जुआ लो, मैं स्वभाव में विनीत और विनम्र हूँ। एक एक्सचेंज लाइफ का इनविटेशन है ये। कुछ लोग आएंगे लेकिन अपना भार अपना जीवन कभी प्रभु यीशु के हाथ में नहीं देंगे। कुछ लोग जो मौके खोते रहेंगे। आज यदि प्रभु की आवाज आप सुनते हैं तो अपने दिल को कठोर मत करिए, आज इस मौके को मत खोइए और आज अपनी कठोरता में अपना जीवन मत बिताइए। आज ये निश्चय कर लीजिए कि मुझे कठोर होकर अपने जीवन को नहीं जीना। आज ये निश्चय कर लीजिए कि जीवन ऐसे नहीं चलेगा। ये व्यक्ति जिसने मौके गवा दिए, पैसे के प्यार ने इसको अंधा कर दिया। चर्च अमीर बनने की जगह नहीं। प्रभु अपने बच्चों को पैसा देते हैं, प्रभु अपने बच्चों को आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, लेकिन लोग ब्लेसिंग के लिए गॉड के पास नहीं आते। गॉड के पास इसलिए आते हैं कि वो है, वो कौन है। यहाँ हम देखते हैं कि धोखा देने का मतलब क्या होता है, कि कैसे परमेश्वर के संयम के बाद भी, यीशु के संयम के बाद भी ये व्यक्ति प्रभु यीशु को धोखा देकर उनको पकड़वा देता है। उसने तो प्रभु के तरफ से खाली प्रेम और दया देखी थी, लेकिन प्रभु को उसके बदले उसकी नफरत उसकी लालच देखी। यहाँ आज हम सीख सकते हैं कि पाखंडी व्यक्ति का जीवन का अंत कितना बुरा होता है। ये अपनी आत्मा शैतान को बेच देता है। आज प्रभु की मेज हम लोग के सामने है और अपने आप से सवाल पूछना है, क्या वो मैं हूँ?